अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एगलेस केक स्पॉन्ज। तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं हमारे वीडियो को, वरना ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हमारे केक का मोल्ड जिसमें हम लोग केक बनाएंगे। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और उसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे अपने हाथों से, मेरे हाथों से कर रही हूँ। और फिर हम लोग डस्टिंग कर देंगे मैदे की मदद से। और ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास बटर पेपर है आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास है बट मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसलिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल और उसमें ऐड कर दिया है मैंने 1.5 कप शुगर। पाउडर शुगर नहीं किया है मैंने, ऐसे ही शुगर किया है। बिगिनर है आप तो प्लीज़ पाउडर शुगर ही यूज़ कीजिए, वरना आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। उसके बाद मिल्क, मतलब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, पहले आपको अच्छे से एकदम मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप मिक्स कर सकते हैं हैंड बीटर से, मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैं इलेक्ट्रिक बीटर से ही मिक्स कर रही हूँ। और इसको आप जब मिक्स कर रहे हैं ना तो आपको ध्यान रखना है कि सेम डायरेक्शन में मिक्स करना है, और साथ में इसका जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा क्रीमी क्रीमी सा हो जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे 1/2 कप और शुगर डाला है, पाउडर शुगर। टोटल मैंने 1.5 कप शुगर डाल दिया है इसमें। तो मैं इसको आप लोगों को दिखाने के लिए ही डाल रही हूँ और इसको भी मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं अभी से ये कितना सफ़ेद सफ़ेद सा होने लगा है। तो अब इसको हम लोग जो टेक्सचर देने वाले हैं एकदम क्रीमी क्रीमी सा बनाने वाले हैं इसका टेक्सचर। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, सेम डायरेक्शन में मिक्स करते हैं। और कुछ दिनों पहले से मैं मतलब रेगुलर नहीं हो पा रही, तो अब से रेगुलर होने की कोशिश रहेगी। और यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 कप मिल्क और थोड़ा सा वनीला एसेंस, 2 टेबल स्पून वनीला एसेंस। और जो मिल्क है ना वो आपको रूम टेम्परेचर में ही रखना है, पहले ही मतलब ठंडा नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए मिल्क। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है। और आपके पास हैंड विश से मिक्स कीजिए, मैं यहाँ पे अभी हैंड विश से मिक्स कर रही हूँ। तो मैं आपको बोलना चाहती थी कि अब जो है रेगुलर होने की बहुत कोशिश रहेगी, अब मिस आउट शॉट्स तो हमेशा ही डलेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, 3 कप मैदा और इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और ऐसा मैंने 3 बार किया है, थोड़ा थोड़ा छान छान के आपको डाल लेना है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा भी, और इसको भी आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है छान के। तो अब तो फिर से मैंने ऐसा किया है, आप देख सकते हैं, और मैं थोड़ी देर बाद आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने मैदा डाला है, फिर मिक्स किया है, थोड़ा और डाला है, मिक्स किया है। तो ऐसा ही आपको भी करना है। तो यहाँ पे आपने देख आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने पूरा मैदा डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम लोग इसमें ऐड करने जा रहे हैं, और अब आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम लोग इसमें ऐड करने जा रहे हैं विनेगर, 2 टीस्पून विनेगर हम लोग इसमें ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर इतना ही था, और इतना ही था हमारा बैटर की रेसिपी। अब हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे इसके मोल्ड में। तो जो मोल्ड हमने शुरुआत में डस्टिंग की थी ना मैदे से, उस मोल्ड को लेंगे और फिर उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। पर उससे पहले आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ऐसी होनी चाहिए आपकी कंसिस्टेंसी, आपके जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी। तो अब हम लोग इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से। तो हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, थोड़ा सा बैटर हमने बचा के रखा है। अब इसमें ना हम लोग कोको पाउडर ऐड करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून, और मैंने इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड किया है क्योंकि कोको पाउडर डालने के बाद थोड़ा कड़वा हो जाता है ना इससे। तो अब हम लोग इसको कपकेक मोल्ड जो होते हैं कपकेक मोल्ड में डालेंगे। उससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको एक केक में डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी मैं। आप देख सकते हैं ऐसे थोड़ा बीच में डालना है और फिर इसको स्टिक की मदद से हम लोग स्क्रॉल कर देंगे, मतलब ऐसे खींच देंगे। और आप देख सकते हैं मैंने बीच में भी ऐसा कर दिया है, साइड्स में भी थोड़ा थोड़ा ऐसे करके जा रही हूँ। और हमारा प्यारा बेकिंग के लिए केक रेडी हो चुका है। तो अब हम लोग कपकेक मोल्ड ले लेंगे अपना, और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के डस्टिंग कर देंगे उसकी भी। वैसे मैंने इसकी डस्टिंग नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं। और फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसके बैटर को ट्रांसफ़र कर लेते हैं जल्दी से।
इसका बैटर आखिरकार ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब हम लोग इसको 3 times टैप कर लेंगे। तो केक को भी हम लोग सेट होने के लिए 3 times टैप्स कर लेंगे। तो हमने उसको अच्छे से टैप कर लिया है। हमने ऑलरेडी अवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था और इसमें हम लोगों ने ना मिनट्स रखे हैं 30 minutes और दोनों रॉड ऑन किए हैं। साथ में हमने 180 डिग्री में है रखा है इसका सेल्सियस रखा है टेम्परेचर, और फैन और रॉड दोनों ऑन किया है मैंने। तो अब हम लोग इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। जैसा मैंने बोला, हम लोगों ने इसको 30 minutes के लिए बेक होने के लिए रख दिया है। तो हमारा जो केक है वो बेक हो चुका है। अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं फटाफट से। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको इस स्टिक से आपको टेस्ट करके बताऊंगी ये परफेक्टली बना है कि नहीं। तो कभी कभी क्रैक्स हो जाते हैं जब बैटर जो होता है ना ज़्यादा सख्त हो जाता है, और जब बैटर ज़्यादा ही ढीला होता है ना तो बीच में एक मतलब होल बन जाता है। तो परफेक्टली आपको बनाना है। और साथ में ऐसे मैंने इसको स्टिक से टेस्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं अगर अंदर का पका नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, मतलब अंदर से थोड़ा थोड़ा लिक्विडी टाइप का होता। और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, सो ब्यूटीफुल, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मैंने थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल्स जो थे ना छिड़क दिए थे बैटर के ऊपर जब मैंने कपकेक मोल्ड में इसको ट्रांसफ़र कर लिया था। तो आप देख सकते हैं हम लोग अपना केक भी निकाल लेते हैं। देखिए कितने आराम से निकल गया है, आपको बटर पेपर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप पैसे भी बच जाएंगे। तो ये हमारा केक था और इतना ही था हमारा वीडियो। आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि ये केक आपको कैसा लगा, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार अपने घर में। कितना सॉफ्ट है, मैं आपको इसको काट के भी दिखाती हूँ। तो अभी मैंने चाकू ले लिया है और इस केक को मैं आपको काट के दिखाऊंगी और थोड़ा खा के भी दिखाऊंगी। तो ये केक मैंने सिर्फ अपने घर के लिए बनाया है, आप भी बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।